दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस सोडी ने शो छोड़ दिया है। असित मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनिफर मिस्त्री ने 15 साल के बाद शो छोड़ने का फैसला लिया। आखिरी बार मिसेस सोडी 7 मार्च को सेट पर पहुंची थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित कुमार मोदी एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे। शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा द्वारा बकाया भुगतान न करने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था। उसी में मिसेस सोडी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और केस दर्ज कर दिया है। असित मोदी के साथ जेनिफर मिस्त्री ने प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमाजी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज को भी कटघरे में उतार लिया है। दोस्तों, जेनिफर मिस्त्री ने 15 साल बाद शो छोड़ने का फैसला कर लिया। बताया जा रहा है कि आखिर बार मिसेस सोडी 7 मार्च को सेट पर पहुंची थी, तभी प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमाजी और कार्यकारी निर्माता जतिन बजाज ने उन्हें किसी बात को लेकर परेशान किया था, जिसके बाद वो सेट पर लौटी नहीं। 2 महीने पहले उन्होंने शो छोड़ दिया। जेनिफर मिस्त्री का आखिरी एपिसोड 6 मार्च को आया था। ई टाइम्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने बताया कि 7 मार्च होली पर उनकी एनिवर्सरी थी और काम से छुट्टी लेकर जाने के लिए 4 बार पूछा, लेकिन वह जाने नहीं दे रहे थे। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि सोहेल ने मेरी गाड़ी को जबरदस्ती रोका। इतना ही नहीं, मैंने उनसे कहा कि मैंने 15 साल इस शो में काम किया है और मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। इसके बाद सोहेल ने मुझे धमकी दी। मैंने असित कुमार मोदी, सोहेल रमाजी और जतिन बजाज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।